अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग हेल्दी हैप्पी एंड फिट होंगे। यह है 1.5 किलो अखरोट और 1.5 किलो बादाम। मैंने 1 चम्मच देसी घी में डालकर इसे स्लो फ्लेम पर भून लिया है। इसके मैं लड्डू बना रही हूँ, शुगर फ्री लड्डू विथ डेट्स खजूर के साथ। तो इसको एकदम स्लो फ्लेम पर आप भूनिए। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, आपको कितना बनाना है कम या ज़्यादा वो हिसाब से। और ये देखिए, अब मैं उसी कढ़ाई में खजूरें लूँगी। तो खजूर जो है मैंने कीमिया खजूर ली हुई जो एकदम सॉफ्ट वाली होती है ना, तो मैंने उसके बीज निकाल लिए थे। 1/2 किलो खजूर थी ये, तो एक्चुअली पहले से एकदम सॉफ्ट होती है ना, आपको इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। घी डालिए और 1-2 बड़े चम्मच और उसको अच्छी तरीके से भूनिए। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से भून लेना है जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाए। एकदम सॉफ्ट हो जाएगी ना तो वो स्टेज पर गैस बंद कर देना है। और फिर उसके अंदर हम अखरोट और बादाम जो पीस कर रखे हैं वो मिक्स करेंगे। और इस तरीके से मिक्स करेंगे ना कि देखते रहना है, और धीरे धीरे डालना है। अखरोट और बादाम का जो पाउडर है ना वो धीरे धीरे डालकर हमें मिक्स करना है ताकि वो पूरा डेट्स में अब्सॉर्ब हो जाए। देखिए मैंने पीस कर रख ली हुई, देखिए ये लेवल पे मैंने गैस बंद कर दी थी। और बंद करके गैस को, और फिर हमें वो पाउडर डालना है अखरोट और बादाम का, और धीरे धीरे डालिए और मिक्स करते रहिए। देखिए आप कितना लगता है अब्सॉर्ब करता है। एक साथ में पूरा डाल देंगे तो नहीं पता चलेगा। फिर उसके हमें लड्डू बनाकर रखना है। और अभी रमज़ान भी आ रहे हैं तो आपके लिए समझो ये एक एनर्जी बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और डायबिटीज़ के पेशेंट लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए मैं इसे इस तरीके से मिक्स करते जा रही हूँ एकदम दबा दबा कर। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो अपने हाथों से इसे मिक्स करके लड्डू बना के स्टोर करिए और खाइए। रमज़ान में इंजॉय करिए, बहुत ही ताकत होती है इससे। मतलब कि अभी जो चल रहा है ना सिचुएशन जैसी कोरोना की, तो उसमें ऐसी जो चीज़ें हैं ना जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े वो खाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरे वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको मिक्स किया था। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।